चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हम लोग क्रिसमस हो जाने के बाद, अभी क्रिसमस तो खत्म हो चुका है, तो क्रिसमस खत्म हो जाने के बाद हम लोग जितने भी ये डेकोरेटिव आइटम है ये सबको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो उसके वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे ये भी आ गई है महारानी, जो डेकोरेटिव आइटम है इसको हम लोग ऐसे प्लास्टिक में रखेंगे ताकि इसमें एयर पास ना हो और ये हम लोग सालों साल यूज कर पाए। तो ये मम्मा डैडी है और ये मम्मी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री का पैकिंग चल रहा है। तो उसके पहले जो लाइट्स वगैरह लगे हुए थे उसको तो इसको हम लोग अच्छे से पैकिंग कर देंगे। और साथ ही साथ हस्बैंड कर रहे हैं क्रिसमस ट्री की पैकिंग, साथ ही साथ में वो वगैरह का है, तो इसको भी हम लोग ऐसे प्लास्टिक वगैरह रख के यहाँ पे रख देंगे। देख सकते हैं जितने भी डेकोरेटिव आइटम थे उसको मैं ये जो केक का प्लास्टिक होता है बड़ा सा उसके अंदर मैं रख के इसको अच्छे से देखिए कैसे अच्छे से हवा निकाल के इसको मैं पैकिंग कर दे रही हूँ। इसमें क्या होता है स्पेस भी सेव होता है और आपका ये जो हवा नहीं लगता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है जिसके वजह से ये चीज़ सालों साल चलते हैं। तो यहाँ पे जो घर है आप देख सकते हैं, इस घर जो है ये पूरा टोटली खुल जाता है और ये खुलने के बाद कुछ ऐसे होता है। अगर आप लोग मेरा क्रिसमस वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको लोगों को पता ही होगा कि ये घर पहले कैसा था। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिसमस डेकोरेशन और क्रिसमस पार्टी का मैं लिंक दे दूंगी, तो वीडियो को वहां से चेकआउट ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। और ये जो है ये धान कटने के बाद जो चीज़ बच जाता है उसी से बनता है और इसको आप अच्छे से रखेंगे तो मिनिमम दुकानदार ने बोला कि 5 साल चलता है, क्योंकि दुकानदार के एक कस्टमर ने 5 साल तक इनको रखा हुआ था अच्छे से पैकिंग करके, हर साल यूज़ करते थे फिर खोल के अच्छे से पैक करके रख दे रहे। तो हम लोग न्यूज़पेपर को लगा रहे हैं और उसको ये धागा से बांध दे रहे हैं और इसमें ताकि कोई डैम्प ना आए या फिर कोई सड़ाव ना आए इसीलिए इसको हम लोग अब प्लास्टिक से अच्छे से रैप करें। ये हम लोग का डाइनिंग टेबल का प्लास्टिक था, इसको मैं फेंकने वाली थी तो सोचा ऐसे करके पैकिंग कर लेते हैं, इतना बड़ा तो कोई प्लास्टिक है नहीं तो यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री को यहाँ पे जैसे उसका ब्रांचेस को सेपरेट किया गया था तो अभी उसको एकजुट किया जा रहा है। और ये जो क्रिसमस ट्री है मेरा दो हिस्से में बट जाता है, देखिए ये खुल गया। क्रिसमस ट्री पर क्रिसमस तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दो हिस्से में बट के अभी इसका चल रहा है अच्छे से पैकिंग। इसको भी हम लोग अच्छे से रस्सी से बांधेंगे, नायलॉन वाला जो रस्सी होता है उससे इसको अब बांध रहे हैं हम लोग ताकि ये जो है 1 साल तक अच्छे से सेट होके रहे, क्योंकि हमारे घर में स्पेस बहुत कम है क्योंकि हमारा घर जो है बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए स्पेस सेव करके और इस चीज़ को केयरफुली हैंडल भी करना पड़ता है जिसके वजह से हम लोग इसको अच्छे से बांध रहे हैं। और इसको इसका जो कार्टून बॉक्स था जब हमने खरीदा था उसी कार्टून बॉक्स में भर के घर के अंदर रख देते हैं हम लोग ताकि वहाँ पे कोई भी डैम्प नहीं होता है और ये चीज़ इजीली चल जाते हैं। और बाकी के सारे
सामान मैं जो स्टार्स बेल्स जो भी थे जो प्लास्टिक वगैरह में पैक किया था उसको मैं ऐसे जो हमारा जो डेली का ऑल्टर है उसके नीचे मैं कार्टून बॉक्स में रख के उसी टेबल के नीचे दो शेल्फ बने हुए हैं वहीं पे मैं इजीली प्लेस कर देती हूँ। ये ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक में जो सब है वो सब लाइट सारे लाइट्स है ये तो कभी भी यूज़ हो सकते हैं इसीलिए मैंने उसको बाहर ही रखा है। और ऊपर है हमारा ऑल्टर और इसको अब हम लोग ढक देते हैं तो कोई भी चीज़ बाहर से दिखते भी नहीं है। और बाकी के जितने भी डेकोरेटिव आइटम हैं जैसे नकली वाला लालटेन और एलईडी कैंडल्स वो सबको भी प्लास्टिक में भर के और जो रग वगैरह बिछाया था वो सब हम लोग सोफ़ा का जो हमारा स्टोरेजर है उस पर हम लोग अच्छे से सेट कर देते हैं। इसमें निकालने में भी आसान है और इसको ऐसे ऐसे करें तो बंद हो जाएगा और इजीली सेफ। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। तो ये था दोस्तों मेरा क्रिसमस का जितने भी डेकोरेशन था उसका पैकअप का वीडियो। तो मिलते हैं फिर और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।